जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकामी के बाद अब सूरतेहाल कुछ इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है कि 14 मई को क्या पंजाब में इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या क्या लीगल ऑप्शंस रह गए हैं 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तारीख दे रखी है। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुएब साहब, ये बताइएगा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कानूनी तौर पर क्या ऑप्शंस बाकी रह गए 14 तारीख को इलेक्शंस कराने के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल अभी तक बरकरार है, रिव्यू पटिशन भी फाइल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से CMA भी फाइल हो गई है PI की तरफ से। अब तो दो ही ऑप्शन बाकी हैं, या तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते और आर्डर को रिव्यू कर दे टू द एक्सटेंट ऑफ द डेट। दूसरा तो जाहिर है उसके साथ साथ जिसने एग्जीक्यूशन नहीं की और जो पाबंद थे इसको एग्जीक्यूट करने के, उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दे। और जिसका ज्यादा इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहरहाल कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए अब इनिशिएट करेगी, और सुप्रीम कोर्ट जब कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगी तो नेचुरली प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले नोटिस जाएगा, वजारत दिफा और वजारत खजाना के जो कंसर्न सेक्रेटरीज हैं, गवर्नर स्टेट बैंक है, और उसके साथ साथ जो जो मिनिस्टर इंटीरियर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है, और ये सारे वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें भी की हैं और कॉन्टेम्प्ट भी की है, अब्यूज भी किया है, ब्लैकमेलिंग एंड टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मजाक भी उड़ाया है, तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ बहरहाल कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग होंगी। सर, कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये 14 मई से पहले होंगी ये 14 मई की तारीख गुजर जाने के बाद होगी अगर इलेक्शंस नहीं होते तो? देखिए, इलेक्शन अगर नहीं होते उससे पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये फंड्स तो उसने पहले देने थे, और जो डिफेंस वालों ने प्लान देना था सिक्योरिटी का वो भी उससे पहले देना था। बहरहाल वो तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिख के दिया है कि इन दोनों को उन्होंने वो चीजें नहीं दी जो उनको डायरेक्शन थी, चार चार वाला फैसला बरकरार है, तो जो वो चीजें हैं उनकी वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट बहरहाल तारुक उससे पहले करेगी, कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग उससे पहले इनिशिएट होगी। और चले, ये कंटेम्प्ट अगर लगेगा तो उससे पहले प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त एक मौकिफ ये भी तो अपनाया जा सकता ना कि अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगु और उसका टोन होता है, उसके जो अल्फाज होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन वही उनके वकला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश होते हैं तो बात अलग कर रहे होते हैं। ये बात दुरुस्त है कि ये तो इनका काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी है कि सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हूँ तो अपने आप को वो शो न करें कि जो कुछ वो उनका कंडक्ट एक्चुअली है, या जो पार्लियामान का वो ढाल बना के जो वो पेश कर रहे हैं और वो जो प्रोटेक्शन आर्टिकल 69 की है उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रोटेक्शन आर्टिकल 69 की हो नहीं सकती, क्योंकि आर्टिकल 68 इनको मना करता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट के खिलाफ किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकते। जो कुछ अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पार्लियामेंटेरियंस करेंगे तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। जैसे आपने देखा कि कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस वक्त भी ये बात हुई थी कि आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन हासिल है कि पार्लियामान के अंदर की जाने वाली प्रोसीडिंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड है। सिमिलरली दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ जब ये प्रोसीडिंग्स हुई उस वक्त भी 69 का हवाला दिया गया कि वो प्रोटेक्टेड है, तो वहाँ की प्रोसीडिंग्स को सेटिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो प्रोटेक्शन हासिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट की प्रोटेक्शन उनको हासिल नहीं है, लिहाजा ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कंटेम्पचुअस तकरीरें कर रहे हैं और जो इनका अंदाज ठीक है। शुभ शाहीन साहब, ये बताइएगा सर, ये कंटेम्प्ट की प्रोसीजर में कौन कौन आ सकता है? क्या वजीर आजम साहब पर भी तौहीन अदालत लग सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जो फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ही है, प्राइम मिनिस्टर, तो नेचुरली सबसे पहले तो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ होंगी, और उनके साथ साथ जो बाकी मिनिस्टर्स हैं और पूरी कैबिनेट के खिलाफ भी ये प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं जिसका ज्यादा इम्कान है, और पूरी कैबिनेट के मेंबरान नाअहल भी हो सकते हैं, वो जेल भी जा सकते हैं और वो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं, और उसके बाद फिर बाकी अगर किसी ने जो कंटेम्प्टुअस स्पीचेस की हैं उनके खिलाफ भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट भी प्राइम मिनिस्टर से ही होगा। अब इस वक्त जो लड़ाई भी चल रही है, मेरा ख्याल है कि ये PMLN की एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कराया जाए। एक तो उनको सियासी शहादत का मौका मिलेगा कि वो बयानियाँ डेवलप करने की पोजीशन में होंगे, और एक पीर से दो शिकार ये भी हो जाएंगे कि उनको ये मौका मिलेगा कि वो इनको हटा के मरियम नवाज को
उसकी सदारत देने की पोजीशन में भी आ जाएंगे। तो जो आएगा उस पर भी कंटेम्प्ट लगेगी, फिर उसको भी कहा जाएगा कि आप इस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं, ये तो फिर चलता रहेगा जब तक। देखें, पहली बात तो ये है कि जब इनके 10 या 15 बंदे या 8 बंदे भी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर देती है तो इमीडिएटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन प्राइम मिनिस्टर को जो भी अब अगला इलेक्ट करने की बात होगी वो तो वो मतलूबा तादाद ही पूरी नहीं कर सकेंगे, ना ही एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में होंगे। तो नेचुरली तो असेंबली डिसॉल्व हो जानी है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जानी है, तो फिर नेशनल के इलेक्शन भी जा रहे 90 डेज में होने, फिर उसका इंटरिम सेटअप का सिचुएशन शुरू हो जानी है ना। और सर ये जो आप एतमाद के वोट की बात कर रहे हैं ना कि जाहिर सी बात है 2-3 बंदे अगर नायल होंगे तो एतमाद के वोट की बात की जाएगी, तो सर उसके लिए आपको लगता है कि पार्लियामेंट का पूरा होना लाजमी है जो मौजूद है उसमें से 173 नंबर आपने लेने हैं, 171 है शायद? नहीं नहीं, वो एतमाद का वोट लेना जरूरी है, एतमाद के वोट के लिए 172 का होना जरूरी लाजमी होने चाहिए। अच्छा, एक रन ऑफ भी तो होता है ना कि जितने मौजूद हैं उसमें से किसने ज्यादा वोट दे दिए, वो सीएम या उसके लिए इलेक्शन के लिए तो हो सकते हैं लेकिन एतमाद के वोट के लिए वो नहीं हो सकता। और सर ये जो आप कार्रवाई बता रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, मुमकिनात में शामिल है, तो सर ये कितना टाइम फ्रेम आपको लगता है, ये 1-2 महीने की बात है या हफ्तों की बात? देखिए ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कितना इनको टाइम देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले माजी में भी और रिसेंटली आपने आजाद कश्मीर में देखा है, सरदार तनवीर इलियास आधे घंटे के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे और साथ उसके मेंबर असेंबली भी नहीं रहे। तो नेचुरली ये सुप्रीम जो कंटेम्प्ट है वो तो एडमिटेड है। हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम दे सकते हैं शो कॉज नोटिस को कि आप उसका जवाब दें, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दे सकते हैं और उसके बाद उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। ठीक है, हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। गोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। About some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. United Nation ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।